जज बनना हर एक वकील और जुडिशरी की तैयारी करने वाले का सपना होता है, लेकिन जज बनना इतना इजी नहीं होता। आईएएस के एग्जाम की तरह ही इसमें प्री मेंस एग्जाम और इंटरव्यू को क्लियर करना होता है। ज्यादातर कैंडिडेट्स प्री और मेंस एग्जाम को तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू से वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इसके इंटरव्यू में काफी टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूं जो जुडिशरी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि चार लोग किसी एक पर्सन का मर्डर करने के लिए निकले, उन चारों में से किसी एक ने गोली मारकर उस पर्सन का मर्डर कर दिया, तो 302 यानी मर्डर का केस किस पर चलेगा? इसका जवाब है कि मर्डर का केस उन चारों पर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आईपीसी 302 के साथ साथ ही आईपीसी 34 यानी कॉमन इंटेंशन भी लागू होगी, क्योंकि उन चारों की एक कॉमन इंटेंशन थी उसका मर्डर करना। तो उन चारों में से चाहे जो मर्डर करे उन चारों के ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर उन चारों की इंटेंशन उसको जान से मारने की नहीं थी, सिर्फ जख्मी करने की थी, तो जिसके वार से वो मरा है उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा, बाकी तीन के ऊपर सिर्फ मारपीट का चार्ज लगेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई पर्सन किसी का मर्डर कर दे और गन के साथ पुलिस स्टेशन में जाकर के सरेंडर कर दे तो क्या उसको सजा होगी? तो इसका जवाब है कि सिर्फ सरेंडर करने की वजह से उसको सजा नहीं होगी, बल्कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इनफ एविडेंसेस पाए जाने पर ही उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो किसी दबाव में या किसी लालच में आकर के कन्फेशन कर रहा हो। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि मर्डर उसी ने किया है तब उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा, लेकिन अगर ये पाया जाता है कि उसने मर्डर नहीं किया है तब उसके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन पुलिस को गुमराह करने का चार्ज जरूर लगेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि पत्नी अगर जॉब करती है तो क्या वो अपने पति से सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं? इसका जवाब दिया गया कि पति अगर कोर्ट में ये प्रूफ कर दे कि पत्नी जॉब करती है और उसकी एक अच्छी सैलरी है तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि बार और बेंच क्या होती है? बार एडवोकेट्स को कहते हैं जबकि बेंच जजेस को कहते हैं। एडवोकेट का जो ग्रुप होता है उसको बार कहा जाता है। बार स्टैंड फॉर बैरिस्टर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसी तरह से हर एक स्टेट का अपना एक बार होता है जिसे स्टेट बार काउंसिल कहा जाता है। बार काउंसिल एडवोकेट्स पर नजर रखती है। अगर कोई एडवोकेट कोई गलत काम करता है तो उसकी कंप्लेंट बार काउंसिल में की जाती है, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस तक रद्द हो जाता है, जबकि एक साथ काम करने वाले जजेस को बेंच कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर गवर्नर की गाड़ी से किसी की मौत हो जाती है तो क्या गवर्नर पर केस चलेगा? इसका जवाब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति गवर्नर वगैरह को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है। उन्ही पावर में से एक पावर ये है कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, यानी सभी इंडियन सिटीजंस इक्वल हैं और कानून सब पर बराबर लागू होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 ये आर्टिकल 14 का ही एक एक्सेप्शन है, जिसमें राष्ट्रपति गवर्नर वगैरह को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। तो अगर गवर्नर की गाड़ी से किसी की मौत हो जाती है तो गवर्नर पर कोई केस नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर टॉट का केस हो सकता है, वो भी गवर्नर पर नहीं होगा बल्कि गवर्नमेंट पर होगा, जिसमें विक्टिम की फैमिली को मुआवजा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और लड़की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल कराने जाती है तो किस सेक्शन के अंडर केस फाइल होगा? इसका जवाब है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो ये आईपीसी के किसी भी सेक्शन के अंडर कोई क्राइम नहीं है, इसलिए कोई भी केस फाइल नहीं होगा। सो गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जुडिशरी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।